और इस वक्त सीधा आप तस्वीरें देख रहे हैं। पीएम निकलने वाले हैं पैतृक निवास से लाल बहादुर शास्त्री के, कुछ ही क्षण वहां पर पहुंचे। हालांकि 10 मिनट का टोटल पूरा कार्यक्रम 10 मिनट का रखा गया था, लेकिन उससे ज़्यादा वक्त उन्होंने यहाँ पर गुजारा है। पहले बाहर आंगन की तरफ खड़े रहे, घर वालों से मिले जो वहाँ पर अंदर मौजूद थे, जो केयरटेकर्स थे उनसे मिले, एक एक करके बात की, फिर उसके बाद अंदर उस कक्ष में गए, उन तस्वीरों को देखा, निहारा और उसके बाद भजन का भी आनंद। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अब भी पूरे तसल्ली से एक एक चीज को देखते हुए, निहारते हुए, बात करते हुए। सचिन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 जी, अमित बोलिए। सचिन, अब से कुछ देर बाद और तकरीबन 10 मिनट का वक्त बीत गया है, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि कुछ लोग अंदर हैं, जिनकी लोग हैं, और उनसे थोड़ी थोड़ी बातचीत सबों को अपनी कहनी है, सबकी बातचीत प्रधानमंत्री को सुननी है, और उसके बाद वो फिर इस बाहर निकलेंगे और फिर रवाना होंगे रोहनिया के लिए। लेकिन जो इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ सचिन, जो लाइव विजुअल्स हमारे पास हमारे कैमरे में आ रहे हैं, उन लाइव विजुअल्स में जो दिख रहा है वो ये है कि जिस वक्त नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे थे, जिस वक्त उनका काफिला यहाँ पहुंचा था, और जिस वक्त अब तक जो उत्साह लोगों में है, जो लोग छतों पर खड़े थे, अपने घरों की बाउंड्रीज के अंदर खड़े थे, सड़क के दोनों किनारों पर खड़े हैं, वो अभी भी उसी तरीके से उनके आने का इंतजार कर रहे हैं, उस गली से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जिस वक्त इंतजार कर रहे थे उनके रामनगर आने का। तो ये जोश है, और अब ये देखना है, क्योंकि ये बहुत अहम बात है कि जो लोग सड़कों पर निकले हैं समर्थन में, जो लोग प्रधानमंत्री के समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, वो अब 8 तारीख को किस तरीके से वो फैसला देते हैं, किस तरीके से वो बटन दबाते हैं, और इस बार किसके लिए होली तय कर रहे हैं कि इस बार होली का गुलाल किसको लगने जा रहा है, जीत का गुलाल किसको लगने जा रहा है, ये बड़ी अहम बात। सारी पॉलिटिकल पार्टीज की नजरें हैं एक दूसरे के रोड शोज पे ज्यादा हैं, अपने पे तो है ही, तो अब बाकी लोग भी जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं वो भी ये देख रहे होंगे लगातार। राहुल गांधी और अखिलेश यादव का रोड शो भी लोगों ने देखा, नरेंद्र मोदी का रोड शो भी लोगों ने देखा, मायावती की रैली भी लोगों ने देखी, शामिल भी हुए। अब ये है कि आज के बाद जब ये चुनाव प्रचार खत्म होगा, उस चुनाव प्रचार के खत्म होने के बाद 8 तारीख को जो वोटिंग है उसमें जनता, बनारस की जनता क्या तय कर रही है, 40 सीटों पर किन पार्टियों के किस का भाग हो रहा है, ये 8 तारीख को बंद हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूँ, प्रधानमंत्री के यहाँ पहुँचने का जो जोश था, अब भी वो जोश लोगों में बरकरार है। मास्टर स्ट्रोक का जवाब तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां भी ढूंढ रही होंगी, खोज रही होंगी, कांग्रेस भी सोच रही होगी कि कैसे दिया जाए, अब आलोचना की जाए या फिर क्या किया जाए। पीएम चुनावी रोड शो में थे, इस बीच लाल बहादुर शास्त्री को वो कहते हैं, वो तो पूरे देश के हैं जाहिर सी बात है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी लेगेसी मानती आई है। अब ऐसे में यहां से पूरा क्षण वक्त बिताने के बाद निकलेंगे।